हेलो, जय हिंद। सीए फाउंडेशन जून 2024 पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हमारे जितने भी मैथ, स्टैट, लॉजिकल रीजनिंग वाले बच्चे हैं, लास्ट के 1.5 डेज में अगर आप अपनी कंप्लीट रिवीजन करना चाहते हैं तो क्या रोड मैप आपको फॉलो करना चाहिए, कुछ बातें यहां पर बताऊंगा। स्ट्रिक्टली आप उनको फॉलो कीजिएगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, काम की बातें फटाफट से बताएंगे, इनको ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो यही कि जो आपका अकाउंट्स एंड लॉ का जो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, मैं मान के चल रहा हूँ कि पेपर सही हुआ होगा। कुछ का हो सकता है कि पेपर शायद इतना सही ना हुआ हो, तो यही बोलूँगा कि जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में ज़्यादा सोचकर आने वाले पेपर को ख़राब नहीं करना है। अकाउंट्स एंड लॉ हो गया, अब वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है और ज़्यादा मत सोचिए उसके बारे में। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि पेपर ख़राब हुआ है बट रिजल्ट उसका अपोजिट आता है, वहाँ पे मार्क्स हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। ये चीज़ मेरे कई स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी कई बार हो चुकी है यार, तो इसलिए अकाउंट्स एंड लॉ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, समझदारी से काम लेना है और अब हमें तैयारी करनी है आने वाले एग्जाम्स की। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की कि अब अगर आप रिवीजन अपनी स्टार्ट करेंगे तो रिवीजन करने के लिए देखो यहाँ पर क्या है। सबसे बेस्ट जो चीज़ मैं आपसे कहता हूँ वो क्या है कि जो भी आपके क्लास नोट्स हैं इसके ही थ्रू आप लोग अपने रिवीजन कीजिए। जो भी हैंड रिटन नोट्स आपने अपनी तैयारी के दौरान बनाए होंगे उसकी हेल्प से आप चैप्टर के सभी फॉर्मूले रिवाइज कीजिए, आप चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कीजिए और इतना जब हो जाता है तो उसके बाद आप क्वेश्चंस तो देखो ऐसे मॉड्यूल में आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन करने बैठ जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार आपने सब एक बार पढ़ रखा है। तो इस टाइम पे बस क्या है, आप ना PYQs बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले हर चैप्टर से आप क्या है 15-20-25 मिनट में आप एक बार कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो और एक बार जैसी वो हो जाता है तो उसके बाद आप हर चैप्टर के कम से कम 30-30, 35-35 PYQs आप बना लो। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बड़ा चैप्टर है, सेंट्रल टेंडेंसी बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पर आप 30-30, 35-35 PYQs आप बना लीजिए। जो छोटे चैप्टर वहां पे 20-20 PYQs भी बनाओगे तो वहां पर भी काम आपका चल जाएगा। अब एक ही चैप्टर के पीछे हाथ धो के पड़ जाओगे तो यार पूरी रिवीजन आपकी ढंग से नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों ने क्लास नोट्स की हेल्प से रिवीजन करनी है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हो जो कहते हो कि सर हमें क्लास नोट्स से नहीं पढ़ना, हमें वीडियोस के थ्रू ही रिवीजन करनी है। तो यहां पर बेटा मैं आपको ये गाइड करना चाहूंगा कि जो भी टीचर से आप पहले पढ़े हैं उन्हीं टीचर से पढ़िए, उनके जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, जो भी उनके रिवीजन वीडियोस हैं उन रिकॉर्डेड वीडियोस की ही हेल्प लीजिए। चाहे कोई कितना भी क्लेम करे कि हम आपको लाइव में ये भी करवा देंगे वो भी करवा देंगे, भाई लिमिटेड टाइम में लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू सब कुछ रिवाइज नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं या तो कंटेंट कम हो जाता है या क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा, रिकॉर्डेड वीडियोस को आप लोग अपने पेस में देख सकते हो, अपनी स्पीड में देख सकते हो और कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आप जो है वहाँ पे देख सकते हो यार। तो रिकॉर्डेड की हेल्प लेना। अगर मैं खुद की भी अगर मैं बात करूँ तो मैंने रिकॉर्डेड चाणक्य 2.0 सीरीज़ में काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, उसका आइडिया आप लोगों को होगा। मैंने मैराथन के थ्रू पूरी कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग और पूरी कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स मैंने रिवाइज करवा दी है, प्लस मैंने रामबाण सीरीज़ में आखिरी के 4 दिनों में मैंने यहाँ पे स्टैट्स मैथमेटिक्स में भी मैंने यहाँ पे 4 चैप्टर मैंने यहाँ पे रिवाइज करवाए थे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस जब PYQs आप करेंगे तो ठीक है आपके पास PYQs तो होंगे ही, उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे YT पे ही मैंने CPL CA प्रीमियर लीग जिसमें मैंने हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे तो वो सब मैंने लाइव में करवाए थे, तो उन सबको अब आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो क्योंकि वो सब इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पर मैंने जो मेन बात कही है कि आप किसी भी लाइव स्ट्रीम में फिलहाल अभी मत जाना, टाइम कम है, आप रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू ही बच्चे आप पूरी कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं यार। बात करेंगे अगले पॉइंट की कि जितने भी हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं सबसे पहले उनको ही रिवाइज करना बेटा, सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर को ही रिवाइज करना। जैसे आपका मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस लगभग 12 नंबर तक की वेटेज रखता है, ये 13 भी हो सकता है, ये 14 भी हो सकता है। आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा 6 नंबर का आता है, ये 7 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, इनफैक्ट 10 भी हो सकता है, इसमें सैम्पलिंग भी आ गया है। ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन 12 मार्क्स में आता है। पूरी कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग का लगा लो हर चैप्टर आधे आधे घंटे का चैप्टर है, आपको बस मॉडल के क्वेश्चंस उठाने हैं और उनको आंसर आप लोगों ने टिक करना है। तो किसी भी चैप्टर में आपको 30 मिनट या 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे में आप इस पूरे लॉजिकल रीजनिंग को भी खत्म कर सकते हैं। अगर आपने मेरा वो मैराथन भी अगर देख लिया तो उसके थ्रू भी आपके LR की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, 20 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो देख सकते हैं ये जो इतना कॉन्टेंट है यहाँ पर देखो क्या है, टाइम कम लग रहा है और कम टाइम लगा के आपको ज़्यादा मार्क्स की आपकी तैयारी हो रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ चैप्टर आपके वरना ऐसे हैं ना जहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मार्क्स भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जैसे आपका एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी और साथ में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 नंबर की वेटेज रखते हैं। बट इन दोनों चैप्टर को करने में लगभग आपको 8 से 10 घंटे का टाइम लग जाएगा, और वहीं आप लॉजिकल रीजनिंग करोगे तो लगभग 3-3.5 घंटे में आपके 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी। तो यही चीज मैं कह रहा हूँ कि ऐसे चैप्टर को उठाइए जहाँ कम टाइम हो और कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स की हमारी तैयारी हो जाए। तो उसमें बेटा आपका मैथमेटिक्स और फाइनेंस तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ही, आपका स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन, लॉजिकल रीजनिंग, इसके बाद भी अगर और चैप्टर्स की बात करी जाए तो इंडेक्स नंबर छोटा चैप्टर है, इंडेक्स नंबर आप कर सकते हैं, इक्वेशंस आप कर सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन लॉग इंडिसेस आप कर सकते हैं, आप ऐसे ही यहां पे कोरिलेशन रिग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। तो ये कुछ और चैप्टर हैं जो आप इनके बाद ट्राई कर सकते हैं यार, है ना, अगर टाइम आपके पास बचता है तब। अब देखो इतना होता है, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। तो देखो भैया एक जो सबसे प्यारी जो चीज आती है वो है फॉर्मूला रिवीजन। आप लोगों ने ये समझ लो आज रात को सोने से पहले यार, मतलब ये समझ लो 3-4 चैप्टर के फॉर्मूले तो एक बार आपने ढंग से रिवाइज कर ही डालने हैं। स्पेशली जिसके फॉर्मूले मुश्किल हो उन्हें एक बार आप आज रिवाइज कर लेना, आज रात को सोने से पहले एक बार आधा घंटा एक घंटा आप उन फॉर्मूलों को दे देना। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठने के बाद 10-15 मिनट आप उन फॉर्मूलों को एक बार दोबारा से रिवाइज कीजिए, रात को सोने से पहले एक बार उनको दोबारा देखिएगा। कल सुबह भी जब आप उठेंगे, नेक्स्ट डे जब पेपर से सुबह आप मॉर्निंग में उठेंगे तो एक बार उन फॉर्मूले को आपने रिवाइज करना है। मतलब फॉर्मूले को रिवाइज करने के लिए कम से कम 6-7 घंटे आप लोगों को देने हैं यार। जब ये अच्छे से रिवाइज हो पाएंगे तभी आपकी एग्जाम में आप लिख भी पाओगे, पढ़ सब कुछ लिया बट फॉर्मूले याद नहीं है तो क्या फायदा ऐसी तैयारी का यार। तो इसलिए फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी हैं। इनके लिए बेटा आप हैंड रिटन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, फॉर्मूला शीट्स की आप हेल्प यहां पर आप लोग ले सकते हैं बच्चे। इतना हो जाता है तो अब उसके बाद जो आपको काम करना है, देखो अगर लास्ट डे में आपके पास टाइम अगर बचता है तो मैं ये बोलूंगा कि किसी भी एक ईयर का मॉक टेस्ट पेपर आप लोग बना लो, किसी भी एक साल का मॉक टेस्ट पेपर आप लोग बना लो। अगर किसी ईयर का नहीं बनाना तो जो ICI ने जो 3 मॉक टेस्ट पेपर आपको दिए थे उसमें से कोई एक पेपर आप बना लो, PW के साइड से जो मॉक टेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड किया गया था आप उसको सॉल्व कर लो। बस ये है कि एक पेपर सॉल्व करके देखो और एनालाइज करो कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बन ही नहीं पा रहे हैं, उनको याद रखो। कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बन रहे हैं बट उनमें ज्यादातर आंसर हमारे गलत हो रहे हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, कौन से चैप्टर आपके ऐसे हैं जिनमें जल्दी से आप आंसर निकाल देते हैं। इस बेसिस पे ही आपको अगले दिन अपना एग्जाम करना है, क्योंकि जो आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो समस्या है उसका समाधान ही यही है कि आप एग्जाम में पहले उन क्वेश्चंस को करो जो टाइम टेकिंग नहीं है और जो आपके आंसर सही भी देते हैं, वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करने हैं जो आपका आंसर सही देते हैं हाँ बट थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, जो क्वेश्चन आप करते हो बट वो ज़्यादातर गलत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने नेक्स्ट डे पे नहीं करने हैं। तो उन चैप्टर को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, यहाँ ये एनालाइज जब आप करेंगे एनालिसिस के दौरान आपको पता चलेगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा यार। बाकी यही बोलूंगा कि यार आज रात ना आप लोगों को आराम नहीं करना, अभी आज आप लॉ का पेपर देकर आए हो, लॉ का पेपर देकर आए हो, आज रात को सोना नहीं है भैया। मैं अगर पूरी रात अगर जाग भी गए ठीक है 3-4 घंटे सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है, बट रेस्ट नहीं करना, तैयारी में लग जाओ ढंग से, एकदम जुट जाओ बढ़िया से एकदम यार, ठीक है। हाँ अब ये है कि अब जब आपका पेपर है कल अगली रात, आज तो लॉ का पेपर देकर आए हो, अब कल की जो रात है तब आप सो जाना, क्योंकि एग्जाम से एक रात पहले प्रॉपर नींद जरूरी होती है यार। उस रात को भैया आपने, कल की रात को आप लोगों ने बिल्कुल भी मजे नहीं लेने, कल आपको सिर्फ सोना है। हाँ आज रात को सोने के लिए नहीं कह रहा हूं, आज रात मैं आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कह रहा हूं, कल का पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करने में लगा दो, कल की रात सो जाना भाई, 8 घंटे सोना, 9 घंटे सोना, कल की रात सो जाना। एग्जाम से एक रात पहले प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होता है, कंपलसरी होता है यार, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। बस इतना ही कहूंगा भैया, ये चीजें प्रॉपरली फॉलो करना, आपकी तैयारी ठीक ठाक हो जाएगी, मार्क्स आपके अच्छे आ जाएंगे यार। ऑल द बेस्ट।